श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। उम्मीद करता हूँ मित्रों सभी लोग स्वस्थ होंगे, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के साथ चल रहे होंगे, नेचर विज्ञान के साथ चल रहे होंगे, प्रकृति के करीब होंगे और उनकी सहज कृपा प्राप्त कर रहे होंगे। आज हम आपको ओम के उच्चारण से होने वाले अद्भुत चमत्कारिक लाभ से अवगत कराने जा रहे हैं। बहुत ही छोटा वीडियो बनेगा ये, आप ध्यानपूर्वक देखें और इसका अभ्यास करें, आपके जीवन में अमूलचूल बदलाव ले आ देगा। जब हम ओम का अभ्यास करते हैं या ओम का उच्चारण करते हैं, ये किसी धर्म, जाति या मजहब से नहीं जुड़ा हुआ है, ये वो ब्रह्मांडीय ध्वनि है जो पूरी तरीके से हमारे इंटरनल सिस्टम को इम्पावर करता है और हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना देता है, हमारे कोशिकाओं की प्राण ऊर्जा को बहुत ज़्यादा वृद्धि कर देता है। होता क्या है कि जब हम ओम का उच्चारण करते हैं, ओम का अर्थात आप ऐसे मतलब आपके वोकल कार्ड से आवाज़ आनी चाहिए या नाभि से, अगर नाभि से आएगी तो वोकल कार्ड से सहज रूप से ही आती रहेगी। जो लोग गलत तरीके से ओम का उच्चारण करते हैं उससे उनको कोई लाभ नहीं मिलता है। ये हमारे जो भी कल्चरल चीज़ें हमारे संस्कृति में शामिल की गई इसके बहुत ज़्यादा साइंटिफिक वैल्यूज रहे हैं। तो आप जब भी ओम का उच्चारण करें, ओम का जाप करें, तो कोशिश करें वोकल कार्ड से ओम इस प्रकार की अगर ध्वनि आती है तो आप अगर गलत उच्चारण करेंगे तो ओम ओम इस प्रकार से अगर आप उच्चारण करेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं मिलने वाला है आपको और इसके कोई भी बहुत ज़्यादा लाभ आपके शरीर को प्राप्त नहीं होने वाले हैं। जैसे ही आप सही ढंग से मतलब वोकल कार्ड से जो आपका ये लैरिंग्स, फेरिंग, इपिग्लोटिस, वॉइस बॉक्स सारी चीज़ें यहाँ पे जो लगी हुई हैं तो ये क्या कर रही हैं, ये यहाँ पे एक साउंड क्रिएट करती हैं। कौन सा साउंड? अल्ट्रा साउंड क्रिएट करती हैं। वो अल्ट्रासाउंड क्या करता है, वो स्ट्रेट लाइन में है, वो कोई जिगजैग मोशन में नहीं है, एकदम स्ट्रेट लाइन और विथ फुल ऑफ लॉट ऑफ एनर्जी, ये बहुत ही ऊर्जा से भरा हुआ है। ये क्या करता है, हमारे जो फेफड़े हैं, फुफ्फुस हैं, इसमें जो एल्वोलाइज हैं मतलब जहाँ पे हम जब ब्रीद करते हैं और श्वास आकर के वायु आकर के वहाँ पे होल्ड होती है और हमारे ब्लड में एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन, उसमें सुपर इम्पोज होना और कार्बन डाइऑक्साइड का फिर से हमारे एल्वोलाइज में रिलीज होकर के ब्रीदिंग से बाहर आना, ये प्रक्रिया को बहुत फास्ट कर देता है। आप अगर ये प्रक्रिया सही रूप से कर पाएँ तो आप महसूस करेंगे कि आपको बार बार जम्हाई आ रही, जम्हाई आ रही, इसका मतलब है कि शरीर के अंदर जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर जो रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको एयर अंदर लेने के लिए डिमांड आएगा, आप जम्हाई भी लेने लगेंगे। उस दौरान होगा ये कि आपके शरीर की प्राण ऊर्जा, आपकी कोशिकाओं की प्राण ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और जो चूँकि हमारा जितने भी आर्गन हैं, पूरा शरीर है, ये कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई संरचना है, तो हर कोशिकाओं में फ्लूइड भरा हुआ है, उनका पूरा प्लाज्मा भरा हुआ है, हर कोशिकाओं में 70% भाग प्रोटीन और पानी से ही बना हुआ है। जब हम इस प्रकार का जप करते हैं तो ये जो स्ट्रेट लाइन में अल्ट्रासाउंड क्रिएट होगा ये हमारे हर कोशिकाओं के चर्निंग प्रोसेस को बढ़ा देगा, तो हमारे हर कोशिकाओं में जो रिपेयरमेंट का प्रोसेस है वो बहुत तीव्र गति से परफॉर्म होगा और क्या होगा, हमारे अंदर जो इंटरनल हीलिंग का प्रोसेस है वो बहुत फास्ट हो जाएगा, इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। सहज रूप से कहीं भी कभी भी किधर भी बैठ करके करिए आप, इसके अमूल चूल लाभ आपको दिखेंगे। 10 से 15 दिन में ही आप अपने आप को बहुत सहज, बहुत शांत और बहुत सरल महसूस करने लगेंगे। तो आयुर्वेद में और प्रकृति में ये सब ज्ञान और चमत्कार छुपे हुए हैं, ज़रूरत है इसे हमें अपने जीवन में धारण करने की, लोगों के बीच में विस्तारित करने की, ताकि हम जन कल्याण का भी काम कर सकें और लोग भी लाभान्वित हों, जिससे हेल्दी समाज का और आसपास की चीज़ों का बेहतर निर्माण हो सके। लोग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका आयुर्वेद को लेकर के और नेचुरोपैथी को लेकर के अपना सामंजस्य बना सकें और इसी तरीके से स्वस्थ रह सकें, बेहतर रह सकें। फिर आपके साथ किसी और वीडियो को लेकर के आएंगे जिसमें आपको हम ऐसे ही किसी मुफ्त के इलाज, मुफ्त के तरीके जो आपको अमूल चूल मतलब बेहतरीन से बेहतरीन परिणाम देंगे
उससे अवगत कराते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। जय श्री राम, वंदे मातरम।